dear students, how are you all? Welcome back once again. Okay, since we have completed two terms, देखते देखते students see, हमने term one complete कर लिया. Now we have completed term two. Now we are going to start for the term three process. Okay, अब हम term three के अंदर चल रहे हैं. And this is your term three book. Okay, and today we are going to deal with the first chapter. ओके आपके रीडर सेक्शन में से हम फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड एज यू कैन सी द चैप्टर नेम दैट इज लव पोयम फॉर माय कंट्री. ओके एज यू कैन सी द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज लव पोयम फॉर माय कंट्री. सो स्टूडेंट्स बिफोर एंटरिंग इन टू द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट. ओके फर्स्ट में शॉर्ट में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट दिस लव पोयम इज अबाउट साउथ अफ्रीका. ओके ये लव पोयम फॉर माय कंट्री जो लिखा हुआ है कंट्री यहाँ पे कंट्री साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया है. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट. साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन आई एज वेल एज आई विल रीड आउट द पैराग्राफ ऑल्सो. ओके मैं पढ़ती भी जाऊंगी देन आफ्टर दैट मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. सो प्लीज लिसन द प्रोनाउंसिएशन वेरी केयरफुली. ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट. माई कंट्री इज फॉर लव सो से इट्स वैलीज वेयर एंशियंट रिवर्स फ्लो द फुल circle of life under the proud eyes of birds adorning the sky. It means ये मैंने पहले आपको explain किया this is about South Africa. So first four paragraph में यहाँ पे South Africa की natural beauty के बारे में बताया गया है and in the last stanza वहां के लोगों के बारे में बताया गया है. Okay this is a short poem written by Sandile Dickeny. ओके ये सैंडाइल डिकेनी के थ्रू लिखा गया है स्मॉल पोयम शॉर्ट पोयम अबाउट साउथ अफ्रीका. सो फर्स्टली यहाँ पे क्या बताया गया है कि साउथ अफ्रीका कंट्री किसके लिए है लव के लिए जाना जाता है. सो ये कौन बोलता है सेज इट्स वैलीज वहां के जो वैलीज है वो क्या बोलते हैं दैट माय कंट्री इज फॉर लव मेरी कंट्री प्यार के लिए है लव के लिए है. जहां पे एंशियंट एंशियंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड बहुत ही पुराने रिवर्स वहां पे बहती है जो लाइफ देती है. ओके जो फुल सर्कल ऑफ लाइफ देती है टू द ह्यूमंस टू द एनिमल्स टू एवरी क्रिएचर. ओके विदाउट वाटर एनीथिंग कैनॉट सस्टेन. ओके सो पानी क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. ओके सो यही बताया गया है कि जो एंशियंट रिवर्स वहां पे बहती है वो क्या करती है लाइफ का सर्कल चलाती है. देन अंडर द प्राउड आई ऑफ बर्ड्स एडॉर्निंग द स्काई पोएट ने यहाँ पे बर्ड्स को कंपेयर किया गया है किसके साथ डेकोरेटिव मटेरियल्स के साथ. जैसे आप घर पे दिवाली पे कुछ इवेंट्स होता है आप अपने घर को किसी भी चीज को स्कूल को क्लास को डेकोरेट करते हो लाइक वाइज पोएट ऑल्सो सेइंग दैट जो बर्ड्स है जो आपके आसमान में स्काई में बर्ड्स फ्लाई करती है उड़ती है इट सीम्स लाइक दे आर डेकोरेटिंग द स्काई. इट सीम्स लाइक क्या स्टूडेंट्स इट सीम्स लाइक वो स्काई को डेकोरेट कर रही है एडॉर्निंग एडॉर्निंग ए जी ओ आर एन आई एन जी एडॉर्निंग मीन्स डेकोरेटिंग. ओके सजावट करना ऐसा लग रहा ऐसा लगता है कि जब बर्ड्स स्काई में उड़ती है ऐसा लगता है कि दे आर डेकोरेटिंग द स्काई. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट हैज एक्सप्लेन अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके जहां पे वैलीज ये बोलते दिखाई दे रही है कि दैट देयर कंट्री इज फॉर लव. ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टैंजा. ओके माय कंट्री इज फॉर पीस सो सेज द वर्ल्ड वेयर रेप्टाइल्स क्यूरियस इट्स सरफेस विथ एलिगेंट मोशंस ग्लिटरिंग इन देयर Pride,
इट मीन्स यहाँ पे वेल्ड VELD वेल्ड मतलब स्टूडेंट्स एक ओपन अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड यानी कि जहाँ पे कोई कल्टिवेशन वेजिटेशन नहीं होता है बंजर जमीन है एंड स्पेशली ये कहाँ पे है ये साउथ अफ्रीका में है ओके सो साउथ अफ्रीका का जो बंजर जमीन है जो ग्रास लैंड है वो क्या बोल रही है कि मेरी कंट्री पीस के लिए है पीस मीन्स हार्मोनी शांति के लिए ये कौन बोलता है VELD वर्ल्ड बोलता है एंड VELD वर्ल्ड क्या है एक अनकल्टिवेटेड ग्रास लैंड और अ कंट्री दैट इज इन साउथ अफ्रीका ओके सो वो क्या बोलती है कि मेरी कंट्री शांति के लिए है वेयर रैप्टाइल्स क्यूरियस रैप्टाइल्स मीन्स स्टूडेंट्स लाइक स्नेक्स लिजर्ड्स रैप्टाइल्स में आते हैं तो उस ग्रासलैंड में ये क्या कौन रहते हैं रैप्टाइल्स रहते हैं एंड रैप्टाइल्स क्यूरियस क्यूरियस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स जेंटल टच करना सहलाना सो व्हेन दे आर मूविंग इन दैट ग्रासलैंड ऐसा लगता है कि वो ग्रासलैंड को क्या कर रही है हल्के से अपने हाथों से स्मूथ वे में सहला रही है ओके Its surface with elegant motions. Motions means movement. जैसा मैंने आपको explain किया जब वो reptiles वहां पे grassland पे चलती है ऐसा लगता है कि वो grassland को अपने country को अपने land को बहुत प्यार से सहला रही हो जैसे एक mother अपने baby को सहलाता हो With elegant motions, glittering in their pride. Glittering means चमकना जब वो ऐसे सहलाती है ऐसे लगता है कि सहला रही है तो वो क्या होता है वो glitter करती है shine करती है अपने pride में प्राइड मीन्स सेटिस्फेक्शन गौरव में क्या करती है ग्लिटर करती है कि दैट दे आर क्यूरिंग दैट ग्रास लैंड लाइक अ मदर वो उस ग्रास लैंड को एक मदर की जैसे केयर करती है सहलाती है तो वो अपने आप में बहुत क्या होता है गौरव फील करती है प्राउड फील करती है ओके दिस इज ऑल्सो दिस स्टैंजा इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ साउथ अफ्रीका नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स थर्ड स्टैंजा माई कंट्री इज फॉर जॉय सो टॉप द माउंटेन्स विथ बबून्स Hopping from boulder to boulder in the majestic delight of cliffs and peaks. What here the poet is saying that mountains क्या बोलती है that my country is for joy. मेरी country joy के लिए है joy means happiness. मेरे country में बहुत happiness है With baboons, baboons means students, large monkeys, जो बड़े बड़े monkeys होती है उनको baboons बोलते हैं Okay, so mountains में कौन रहता है Baboons रहता है Okay, and वो क्या करते हैं Hop करते हैं jump करते हैं from boulder to boulder. Boulder means students, large rock और stone, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो बड़े बड़े stone होते हैं that is your boulder. तो monkeys क्या करती है Stone to stone jump करती रहती है ओके सो माउंटेन्स इसलिए बोल रही है दैट मेरी कंट्री पीस के लिए है यहाँ पे बबून्स जंप करते हैं हंसी मजाक करते हैं दे फील वेरी मच हैप्पीनेस एंड दे फील वेरी जॉय इन दिस कंट्री इन द मैजेस्टिक डिलाइट ऑफ क्लिप्स एंड पिक्स मैजेस्टिक मीन्स ग्रेटनेस ओके ग्रेटनेस एंड डिलाइट मीन्स आनंद बहुत ज्यादा आनंद होता है क्लिप्स और पिक्स को देखना क्लिप्स मीन्स चट्टान ओके CLIFFS क्लिप्स जो बुक में लिखा गया दैट मीन्स चट्टान एंड पीक मीन्स जो माउंटेन का टॉप पॉइंटेड पार्ट होता है दैट इज योर पिक्स ओके तो दैट क्लिप्स एंड माउंटेन्स क्या है अपने ग्रेटनेस में बहुत ही आनंद लेती है ओके सो नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इन पेज नंबर 3 माई कंट्री इज फॉर हेल्थ एंड Wealth. See the blue of the sea and beneath the jewels of fish. Deep under the bowels of soil, hear the golden voice of a miner's praise for my कंट्री अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेरी कंट्री क्या है हेल्थ एंड वेल्थ के लिए है सिंस आप अपने कंट्री में या कोई भी जो कहीं पे भी रहता है उसका देश उसका प्लेस क्या प्रोवाइड करता है लाइफ देता है हेल्थ मीन्स लाइफ एंड वेल्थ मीन्स मनी
ओके सिंस मैं यहाँ पे रह रही हूँ सो व्हाट आई एम गेटिंग लाइफ मैं जिंदा हूँ मैं सर्वाइव कर रही हूँ मैं सस्टेन कर रही हूँ एंड आई एम अर्निंग मैं पैसे भी कमा रही हूँ राइट सो एक कंट्री क्या करती है वहां के लोगों को क्या देती है एक तो लाइफ देती है हेल्थ देती है एंड वेल्थ देती है सो दैट्स व्हाई पोएट इज ऑल्सो सेइंग दैट साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो गिविंग हेल्थ एंड वेल्थ टू द पीपल आउट देयर ओके एंड यहाँ पे बोला गया है सी द ब्लू ऑफ द सी सी का कलर कैसा होता है ब्लू कलर का होता है सो ही इज सेइंग दैट सी द कलर ऑफ द ब्लू एंड बीनीथ बीनीथ मीन्स अंडर द लोअर पार्ट ऑफ द सी जो सी का जो लोअर पार्ट होता है उसमें क्या रहते हैं फिश रहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फिश रहते हैं एंड पॉइंट इज कंपेयरिंग दैट फिश इन टू अ ज्वेल्स ओके वो फिश को ज्वेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जो बीनीथ जो नीचे पोर्शन सी के जो लास्ट इनर पोर्शन होता है लोअर पार्ट होता है जिसमें फिश रहते हैं दे आर लुकिंग लाइक ज्वेल्स ज्वेल्स मीन्स ऑर्नामेंट्स ओके प्रीशियस ऑर्नामेंट्स जैसे दिखते हैं जो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेप एंड साइज के जो फिश रहते हैं दे आर लुकिंग सिमिलरली एज ज्वेल्स ओके डीप अंडर द बाउल्स ऑफ स्वेल बाउल्स मीन्स इनर पार्ट ओके सो इनर पार्ट में अंडरनीथ अंडरग्राउंड ऑफ द सोयल हियर द गोल्डन वॉइस ऑफ अ माइनर्स प्रेज माइनर्स मीन्स स्टूडेंट्स जो माइन में काम करते हैं जो माइन होता है वो सोयल के अंदर अंडरनीथ में माइनर्स माइन में काम करते हैं राइट सो व्हाट पोएट वांट्स टू से दैट जो लोग वहां पे नीचे काम करते हैं उनकी वॉइस को जरा सुन के देखिए व्हाट दे आर सेइंग वो क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के बारे में प्रेज कर रहे हैं प्रेज मीन्स गुणगान गा रहे हैं ओके पहले उन्होंने क्या बताया सी को देखो सी के कलर को देखो दैट मीन्स नेचुरल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कैसा नेचुरल ब्यूटी है सी है ब्लू कलर का सी उसके अंडर में कौन रहता है फिश रहते हैं एंड दैट फीज आर लुकिंग सिमिलरली लाइक ज्वेल्स यानी कि ऑर्नामेंट्स जैसे दिखते हैं सो दैट इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सी एंड जो सोयल के अंदर होता है अंडरग्राउंड कौन काम करता है माइनर्स काम करते हैं सो माइनर्स को माइनर्स क्या करते हैं अपनी कंट्री के बारे में प्रेज करते रहते काम भी करते रहते हैं और प्रेज भी करते रहते हैं तो ही सेइंग दैट जस्ट हियर द वॉइस ऑफ दैट माइनर्स प्रेजिंग फॉर माई कंट्री ओके नाउ द लास्ट स्टैंजा माई कंट्री इज फॉर यूनिटी फील द मिलियंस सी देयर पैशन देयर हैंड्स आर ज्वाइंड टूगेदर देयर इज होप इन देयर आईज वी शैल सेलिब्रेट सो इन लास्ट स्टैंजा पोएट इज टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ही इज सेइंग दैट माई कंट्री इज फॉर यूनिटी मेरी कंट्री यूनिटी के लिए यूनिटी मीन्स एकता के लिए एवरी वन आउट हियर आर यूनाइटेड ओके यहाँ सब एकदम से मिलजुल के रहते हैं सब एकता से रहते हैं फील द मिलियंस यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लोग इस चीज को फील करते हैं कि दैट पीपल आर लिविंग विथ हार्मोनी पीपल यहाँ पे कैसे रहते हैं शांति से रहते हैं प्यार से रहते हैं खुशी से रहते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दे आर यूनाइटेड सो पोएट इज सेइंग द सेम थिंग टू द रीडर्स ऑल्सो सी देयर पैशन उनके पैशन को देखो पैशन मीन्स जुनून को देखो देयर हैंड्स आर ज्वाइंट टूगेदर उनके हाथ क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दे आर होल्डिंग देयर हैंड्स टूगेदर एज यू कैन सी इन द इमेज में भी यू कैन सी दैट उनके हाथ उन्होंने एक दूसरे से जोड़ के रखे हुए एंड इन देयर आईज उनके आंखों में होप दिखती है सो इन दिस सेंस द पोएट इज सेइंग दैट वी शुड सेलिब्रेट हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी कंट्री प्यार के लिए है हमारी कंट्री पीस के लिए है शांति के लिए है हैप्पीनेस के लिए है हमारी कंट्री हमें हेल्थ देता है वेल्थ देता है सो हमारी कंट्री यूनाइटेड है दैट मीन्स वी शुड सेलिब्रेट इट एवरी डे द पोएट इज सेइंग टू हिज readers okay this was the short poem just I explained you and it is written by Sandel Dickeny okay so this was the short poem I hope you got the content thank you so much